सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से सुशांत का परिवार भी गदगद है। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के चाचा देव किशोर सिंह ने भी इस मामले में खुशी जाहिर की है। सबसे पहले सुशांत के भाई नीरज बबलू ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी साबित हो गया कि बिहार में जो FIR दर्ज हुआ था वह भी सही था और बिहार पुलिस जो कर रही थी वह भी सही कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब लोगों में उम्मीद जगी है, करोड़ों लोगों में यह विश्वास जगा है कि अब सुशांत केस में न्याय हो सकेगा। अब सुनिए नीरज बबलू क्या कह रहे हैं। परिवार और पूरे करोड़ों लोगों को आशा और उम्मीद जगी है, उनके आशा के अनुसार फैसला आया है और तमाम लोग चाहते थे। CBI और उच्चतम न्यायालय का निर्देश आ गया कि CBI पूरी तरह जांच करेगी, हर मामले को जांच करेगी और पटना में जो FIR हुआ है उसको उन्होंने सही बताया है। तो हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि CBI जाँच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगा हुआ है। वहीं इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के चाचा देव किशोर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस सुशांत मामले को रफा दफा करने के मूड में थी लेकिन अब यह केस CBI के पास जाने से जांच को सही दिशा मिलेगी। अब सुनिए क्या कह रहे हैं सुशांत सिंह के चाचा देव किशोर सिंह। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यह तो बहुत स्वागत योग्य है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस वहां पर इस मामले को रफा दफा करने के फेरे में थी, जांच को टाल मटोल साक्ष को छिपा रही थी, उस स्थिति में तो CBI की जांच बहुत महत्वपूर्ण रखता है और ये हम लोगों के लिए स्वागत योग्य है। रिया चक्रवर्ती का जो है याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो पटना मामला दर्ज हुआ था मुंबई ट्रांसफर करने के लिए, वो भी याचिका खारिज कर दिया गया। हाँ, महाराष्ट्र पुलिस जब सही ढंग से जांच नहीं कर रही थी तब पटना में पटना राजीव नगर थाना में मामला दर्ज किया गया और मामला जब दर्ज किया गया तो यहाँ से जो पुलिस गई है तो उसको वो लोग जांच करने के लिए बहुत ढंग से बाधा उत्पन्न किया, वहाँ के यहाँ के अफसर को क्वारंटाइन कर दिया गया। इस स्थिति में तो हम लोगों को काफ़ी असंतोष हुआ। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की का याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो खारिज कर दिया गया है, ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत करते हैं और ये काफी सराहनीय बात है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।